नर्जी एनर्जी एनर्जी एंड परसिस्टेंस कॉन ऑल थिंग्स टूडे इज फोर्टींथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में ड्रिबलिंग एक टर्म है जो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में यूज होता है फुटबॉल में बास्केटबॉल हॉकी एट्सेट्रा मेलको टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कर्नाटका में थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021 था युवा उत्साह नए भारत का गेजिंग ईस्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मोंग्स एंड रिवॉल्यूशनरीज ऑफ चाइना ये बुक लिखा है रोमिला थापर मैम ने वॉट सिंबल रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा दी आंसर इज लोटस एंड बुल सो दीज आर आंसर ऑफ यस्टर्डेज क्वेश्चन आज के सवाल है कोम्बटूर कोयम्बटूर सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर किस रिवर के किनारे पर कोयम्बटूर सिटी लोकेटेड है कलेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा की सीट्स होती हैं कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं उनका नंबर क्या है वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका क्या काम होता है उदय कोटक कमिटी इज रिलेटेड टू तो वॉट और सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू वॉट सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है होमेज होमेज जैसे मार्टर्स होते हैं उनको हम होमेज देते हैं मतलब स्पेशल ऑनर है और रेस्पेक्ट है और वो पब्लिकली शो किया गया है दैट इज होमेज डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ अग्रीमेंट क्रेडिबिलिटी है मतलब विश्वसनीयता है द क्वालिटी ऑफ बींग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन बुलिश बुलिश है मतलब वो बहुत एग्रेसिव है कॉन्फिडेंट है और सेल्फ अजर्टिव है स्टॉक मार्केट कभी कभी बुलिश नजर आता है प्राइमा फेसी प्राइमा फेसी मतलब बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन देखने में ऐसा लग रहा है बट जरूरी नहीं कि वो ट्रू भी हो बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन प्राइमा फेसी इविडेंसेज सो दीज आर वो कैब वर्ड फॉर टूडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं स्कूल टू री ओपन फॉर क्लास टेन ट्वेल्व स्टूडेंट्स फ्रॉम जनवरी एटीन दिल्ली में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं हैप्पी इंडिया फेस्टिवल्स डिफरेंट नेम पोंगल संक्रांति लोहरी आज कॉन्सेप्ट समझेंगे विंटर सोलस्टाइज का टेरर ट्रेल ये यू एन एस सी स्पीच है जयशंकर साहब का एडिटोरियल टेक है फाइनल ब्लो दिस इज अबाउट यूएस पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू क्यूबा फॉर्म लॉ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड होप ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है अचारी साहब ने लिखा है इसमें यह बताया है कि जुडिशल अगर रिव्यू होता है फॉर्म लॉ का तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन हमें देखने पड़ेंगे देन दिस इज़ बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीनेशन सबरीमाला सी सी एस ने अप्रूव कर दिया है एट्टी थ्री तेजस फाइटर्स फॉर एयर फोर्स एक्सेलेंट न्यूज दिस इज पोंगल बाय बॉर्नफायर अभी एक नया कल्चर आ रहा है बर्जवर्ड है टूरिज्म वर्ल्ड में एग्री टूरिज्म देन स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस चाइना पॉलिसीज स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं तेजस राइस एंड वीट का एक्सपोर्ट और ये है मैनग्रूव का मैप मैनग्रूव्स ऑफ इंडिया हिंदी आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आने वाले दो साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया दो साल के लिए यू एन एस सी की सीट में रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर की तरह ये द हिंदू है दिल्ली एडिशन और ये इंडियन एक्सप्रेस है दिल्ली एडिशन द हिंदू का फ्रंट पेज आज पूरा एडवर्टाइजमेंट है सो दिस इज द फ्रंट पेज प्रेयर स्पेस टू पे होमेज टू फार्मर्स हु हैव डाइड इन स्टेर देन यहां पर है स्कूल्स टू री ओपन फॉर क्लास टेन ट्वेल्व स्टूडेंट्स फ्रॉम जनवरी एटीन फिजिकल अटेंडेंस नॉट कम्पल्सरी पेरेंट्स कंसेंट नेसेसरी है ये यहाँ के मिनिस्टर ने कहा अब सी ये जो गाइडलाइंस है ना अगर आपको कोई केस स्टडी आता है इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरल डिस्कशन में पूछा जाता है कि स्कूल ओपन करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थिंक सो दीज आर द दॉडर पॉइंट्स नो सिम्टमेटिक चाइल्ड एम्प्लॉय टू बी अलाउड इन स्कूल कैंपस सिम्टोमेटिक अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं कोविड नाइन्टीन के तो अलाउ नहीं किया जाएगा चाइल्ड भी और एम्प्लॉय भी मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग होगी स्कूल के एंट्री गेट पे कंपलसरी हैंड सैनिटाइजेशन होगा एंट्रेंस ऑफ स्कूल पे क्लासरूम लैब्स पब्लिक यूटिलिटी तो ये क्या हुए हेल्थ गाइडलाइन आप जब भी आंसर लिखते हो ना उसको हेडिंग्स सब हेडिंग्स पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप उसको नंबर करो इससे क्या होता है कॉपी बड़ी सिस्टमेटिक दिखती है आंसर अच्छा अच्छा लिखना है साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी अच्छे होने चाहिए कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगनी चाहिए स्कूल रेडीनेस हेड ऑफ स्कूल टू एंश्योर थ्रू सैनिटाइजेशन होगा प्रेमाइसिस में अवेलेबिलिटी की सप्लाई जैसे थर्मल स्क्रीनर डिसइनफेक्टेंट सोप मास्क अब ये क्या है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना ये एग्जीक्यूटिवस होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं इनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना कोई भी डिसीजन है पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है जैसे स्कूल रेडीनेस उसको फिजिबल बनाना है क्वारंटाइन रूम होगा नौसी एक क्वारंटाइन रूम भी चाहिए इमरजेंसी होगी तो वहाँ पे स्टूडेंट को रखेंगे फेस मास्क होना जरूरी है फेस मास्क प्रमाइसिस में मैंडेटरी होगा और आपको कुछ स्पेयर एक्स्ट्रा मास्क भी होगा कोई बच्चा मास्क लाना भूल गया तो आप उसको मास्क दे सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी असेंबली वगैरह में सिक्स फीट कैंपस गेस्ट पॉलिसी भी रहेगा गेस्ट शुड बी डिस्करेज ये नहीं कि स्टूडेंट से मिलने गेस्ट आ रहे हैं उनको अवॉइड किया जाएगा अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोटोकॉल रहेगा कम्युनिटी कॉमन स्पेस पॉलिसी होनी चाहिए अवेयरनेस ड्राइव किया जाएगा लोगों को अवेयर किया जाएगा नो सी दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं एक्सेलेंट पॉइंट्स सो नोट इट डाउन स्कूल्स अगर ओपन करना है तो हमें ये ब्रॉड गाइडलाइंस फॉलो करनी है केस स्टडी में यूज इट सो दिस इज द थिंग इसमें और अभी फॉलोअप होगा विल we'll सी देन दिस इज़ बैन सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज और इंटर सेक्स जो इन्फेंट्स होते हैं चिल्ड्रन होते हैं इनका सेक्स सेलेक्टिव सर्जरी होता है उस पर बैन करने की यहाँ पर बात है फुल्ली इंफॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए पर एक्सेप्शनल केसेज में होना चाहिए अगर चाइल्ड का हेल्थ लाइफ रिस्क हो रहा है देन ओनली इट शुड भी डन देन हैप्पी पोंगल अब ये है फेस्टिवल्स आज फेस्टिवल हैप्पी मकर संक्रांति बिहू यहाँ पर हो रहा है पोंगल यहाँ पर हो रहा है मकर विलाकू यहाँ पर है साउथ में उत्तरायण यहाँ पर है और लोरी इधर पंजाब तरफ सेलिब्रेट हुआ तो फेस्टिवल ये सारे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल जब फसल आती है तो उसकी खुशी में ये फेस्टिवल्स मोस्टली बनाते हैं अब जैसे पोंगल है पोंगल रेफर टू ए स्थाई पोंगल ये मल्टी डे फेस्टिवल है साउथ इंडिया का तमिल कम्युनिटी में पोंगल ज़्यादा मनाया जाता है तमिल सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग फास्टिंग फीस्टिंग होती है इसमें अच्छा खाना खाएंगे गिफ्ट होगा विजिटिंग होम्स होगा तो ये पोंगल है मकर संक्रांति सन जो होता है वो उत्तरायण में जाता है नॉर्थ में जाता है तो दिस इज कॉल्ड सन गॉड के लिए मकर संक्रांति इसमें राशियां होती है तो मकर अगर संक्रांति में आ रहा है मकर राशि में एंटर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग बॉर्नफायर सूर्य पूजा ये सब चीजें होता है यहाँ पे लोहरी अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है पंजाब रीजन में सो so, भांगड़ा गिद्दा ऐसे डांस भी होते हैं और ये बॉर्न करते हैं ऐसे बॉर्नफायर बिकॉज दिस इज सीजन ऑफ विंटर्स एज वेल सो दिज आर सर्टेन फेस्टिवल्स यस्टरडे आई शेयर वन पी डी एफ टेलीग्राम में हैव अ लुक डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स उनके अलग अलग एरिया में क्या है ओके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कल्चर हमें पता होना चाहिए अवर कल्चर नाउ दिस इज़ अबाउट विंटर सॉल स्टाइज बिफोर दैट दिस इज़ फिफ्थ सैरो सर्वे गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है कि कितना कोविड का इम्पैक्ट हुआ था एंटीबॉडीज चेक करते हैं लोगों में कितनी एंटीबॉडी है फिर इनडायरेक्टली इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है कि कोविड का कितना इम्पैक्ट एंड प्रेजेंस आया है पॉपुलेशन में सिविक बॉडी ने बैन कर दिया है सेल स्टोरेज ऑफ पोल्ट्री वाई बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू का स्कैर बना हुआ है देन दिस इज माघी पंजाब गवर्नमेंट फोर्टी मुक्ताज द लिबरेटेड वन यहाँ पे उमेज है दिस इज एडिटोरियल बट बिफोर दैट लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस विंटर सॉल स्टाइस अभी ये जैसे मकर संक्रांति हुआ ना ये जितने भी सीजन होते हैं ठंड क्यों आ रहा है विंटर क्यों आ रहा है समर क्यों आ रहा है ये सब होता है बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एपरेंट मतलब एक्चुअल में नहीं है बट वो ऐसा लग रहा है कि एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन अपसी इसके लिए हमने एन भी पढ़ा है एन सी आर टी में हैवोलोक एन सी आर टी में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देखा था ये जो लेटे हुए ना दीज आर लैटिट्यूड इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर कैप्रिकॉन एंड दिस इक्वेटर तो ये क्या है लैटिट्यूड है और जो लॉन्जिट्यूड है वो नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं हमारी अर्थ ऐसे मूव हो रही है बिकॉज अर्थ ऐसे मूव हो रही है तो सन हमें ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है अब जो अर्थ है ना ये ऐसे हल्का सा टिल्टेड है अपने एक्सेस में टिल्टेड है तो अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है ऐसे और साथ ही साथ रिवॉल्यूशन भी हो रहा है सन के अराउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टिल्टेड एक्सेस सन हमें ऐसा मूव होता है कि वो इक्वेटर से ऊपर गया कैंसर में फिर नीचे गया कैप्रिकॉन में ऐसे सन का मूवमेंट होता रहता है इन दो लाइन्स के बीच कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में और इसी के कारण फिर सीजन बनते हैं तो समर सॉल्सटाइज तब आता है समर सोलस्टाइस में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होता है जब सन यहां पर है ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फिर स्प्रिंग फॉल इक्विनॉक्स होता है इक्वी का मतलब बराबर इक्विनॉक्स मतलब सन इक्वेटर पे है फिर विंटर सोलस्टाइज आता है विंटर सोलस्टाइज मतलब अब सन नीचे जा रहा है पहले यहां था फिर इधर आया फिर इधर आया तो अब विंटर सोलस्टाइज आ गया विंटर सॉलस्टाइज मतलब अब नॉर्थ के रेस्पेक्ट में यहाँ शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा विंटर सॉल्स्टाइज फिर सन यहां आने के बाद फिर ऊपर आएगा तो फिर दिस दिसंबर ट्वेंटी वन ये डेट है ऐसी कुछ डेट्स हैं दोनों डेट्स का रिस्पेक्ट अलग हो सकता है नॉर्थ और सदर्न हेमिसफेयर में हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं सन फिर ऊपर आएगा और इक्वेटर पे फिर से इक्विनॉक्स आ जाएगा आप इनके डेट्स बताओ इक्विनॉक्स एंड विंटर सॉल्स समर सॉल्स विद रेस्पेक्ट टू तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में और ये सवाल भी करना है हैव अ लुक एट एनसीआर टी वंस अगेन फंडामेंटल्स जो है क्लास इलेवेंथ की बुक नंबर टू फंडामेंटल्स जोग्राफी उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिए एक्सप्लेन द जोग्राफी बिहाइंड द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड हाउ डज इट लीड टू चेंज इन सीजन सीजन कैसे चेंज होते हैं सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे अब ये एडिटोरियल है टेरर ट्रेल टेरर ये जो टेररिज्म है ना ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन गया है बिजनेस की तरह ऑपरेट होता है और इनके पास भी सारे रिसोर्स लॉजिस्टिक्स वगैरह की तरह ये सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं टेरर का बैकबोन तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी फाइनेंसिंग को स्टॉप करें फाइनेंसिंग स्टॉप करने के लिए फिर एजेंसीज आ जाती है जैसे एफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एक स्पीच में कहा ग्रेटर कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिटवीन काउंटर टेररिज्म एजेंसीज वर्ल्ड वाइड बिकॉज जो ये टेररिज्म है ना ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिन बन गया है हर एरिया ऑफ वर्ल्ड हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिफरेंट प्लेसेस सब इससे सफ़र कर रहे हैं तो दैट इज़ इस वाई इसके लिए वर्ल्ड वाइड एक यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेशन जरूरी है यू स्पीच में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा अब प्रॉब्लम ये आती है जैसे ये एक प्रॉपर बिजनेस बन गया है एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग होता है ड्रग्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी हो रहा है और अब जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई है तो उससे एनोनिमिटी आ गई है जैसे ब्लॉकचेन सब लोग ब्लॉकचेन को लेजर को इतना प्रमोट करते हैं बिटकॉइंज एंड ऑल बट आरबीआई की रिपोर्ट्स आपने देखा था उसमें इश्यूज हैं इश्यूज ये हैं कि एनोनिमिटी है इसका मिस भी बहुत हो सकता है कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और वो सब गवर्न नहीं है तो इससे क्या होगा प्रॉफिट लॉसेस शॉक्स लग सकते हैं सो दैट इज़ वाई इस बात पे भी एनोनिमिटी भी दिस एक कॉज है फाइनेंसिंग ऑफ दिस टेररिज्म में लूप होल्स इन डिजिटल सिक्योरिटी ये प्ले करते हैं तो हम इसको डील कैसे करें इसको डील करने के लिए ज़रूरी है हम कोऑर्डिनेशन लाएं डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट एजेंसीज़ में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को स्टॉप करना ज़रूरी है और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को पैट्रोनेज दे रहे हैं यू की परमानेंट सीट में बैठ उनको भी यहाँ पर जवाबदेही तय करना ज़रूरी है सो दिस इज वी नो कंट्रीज सो so, यहाँ पे जयशंकर साहब ने इसको बताया इंटरनेशनल कम्युनिटी को वॉक द टॉक बातें बड़ी बड़ी करते हैं उसको पूरा भी करें वॉक्स द टॉक जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म सो ये काफी स्ट्रांगली वर्डेड स्पीच दिया था लेट यू एस सी में हमारा अब स्टेंट स्टार्ट हो गया है हम यू में रहेंगे फॉर टू ईयर्स ऑल नॉन परमानेंट मेंबर फाइनल ब्लो बाइडन शुडन बी डिटर्ड बाय द पॉलिसी रिवर्सल ऑन क्यूबा बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्यूबा जो है ना ये अमेरिका है ये अमेरिका है और ये यहाँ पे इस सही पे फ्लोरिडा है और फिर यहाँ पे क्यूबा है अमेरिका कैपिटलिस्ट है क्यूबा क्या है क्यूबा कॉम्युनिस्ट रहा है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था इफ यू रिमेंबर कोल्ड वॉर का पीक था वो ब्रिंक्समैनशिप होती थी क्यूबा को बैकिंग थी रशिया की तो उस टाइम से यूएस और क्यूबा के रिलेशन्स काफ़ी शॉवर रहे हैं नॉर्मलाइज नहीं रहे यू ने बहुत ज़्यादा सेंक्शनस भी लगाए क्यूबा पे तो इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नोज डाइव हुई क्यूबा के अगर आप वीडियोज़ भी देखो YouTube एंड ऑल सब में तो ये ना ऐसा लगता है 1970s 80s का कोई कंट्री है क्यूबा लुक्स लुक्स लाइक दैट वहाँ की कार्स रोड्स डेवलपमेंट एट्सेट्रा सो दिस इज़ द थिंग अब क्या होता है अमेरिका की जो एक्रीमनी है टूवर्ड्स क्यूबा मतलब एक्रीमनी मतलब नॉट फ्रेंडली अमेरिकाज एक्रीमनी टूवर्ड्स क्यूबा हैज़ इट्स रूट्स इन द कोल्ड वॉर पीरियड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डेट बताइए कब हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वर्ल्ड हिस्ट्री नाउ क्यूबन कॉम्युनिस्ट उसको सर्वाइव किया इवन द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन कब फॉल हुआ ये भी डेट बताइए सोवियत यूनियन फॉल होने के कारण भी कॉम्युनिस्ट के बावजूद भी कॉम्युनिस्ट यहाँ पे सर्वाइव हुआ क्यूबा और कैपिटलिस्ट का फ्लैग बियर यूएसए की प्रॉक्सिमिटी होने के बाद भी नाउ मिस्टर ओबामा है मिस्टर ओबामा की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी थोड़ी अकोमोडेटिव थी उन्होंने ट्राई किया कि हम री करते हैं टाइज क्यूबा के साथ अमेरिकन एम्बेसी ओपन किया वो ट्रैवल भी किए हवाना वहाँ की कैपिटल यहाँ के सिगार फेमस है और एक नया बिगनिंग उन्होंने स्टार्ट किया बट ओबामा के बाद आ गए ट्रम्प ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि नहीं क्यूबा तो एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का तो क्यूबा को कैटेगरी में रख दिया किसकी कैटेगरी में ईरान नॉर्थ कोरिया और सीरिया की कैटेगरी में तो इससे रिलेशन फिर से नोज डाइव हो गए अब देखना होगा कि जो बाइडन आ रहे हैं बाइडन मतलब डेमोक्रेट ओबामा अब देखते हैं कि ये क्यूबा क्राइसिस क्यूबा के साथ यूएसए के रिलेशन कैसे आगे बढ़ते हैं कैरेबियन कंट्री है ये अब नेक्स्ट इज फॉर्म लॉज देर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर अस इसमें लिखा है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है सरकार ने सरकार के फॉर्म बिल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक पैनल बनाते हैं तो इसमें टेक्निकलिटीज क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं देर आर ग्राउंड एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू रिविजिट द लॉ ये जो डेड लॉक है इसको हम दूर कर सकते हैं कल हमने ये टेक देखा था सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इम्प्लीमेंटेशन थ्री कॉन्ट्रोवर्सियल लॉ पे बात बोली थी असुएज करें हर्ट फीलिंग्स ऑफ फार्मर और टेबल पे आए डिबेट्स डिस्कशन और एक कॉन्जनायल एटमोसफेयर लेके आए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अब सी जो कमेटी बनी है कमेटी बनाने की बात है वो ओपन माइंड से फॉर्म इश्यूज देखने चाहिए कमेटी भी प्रिजुटाइज्ड नहीं होनी चाहिए प्रिजुडाइज्ड होने से क्या होता है सभी गलत होता है प्रिजुटाइज मतलब आपने पहले ही एक प्री कंसीव्ड नोशन है मन बना लिया है ये ऐसा है ऐसा है वो नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स गलत भी हो सकता है सो so, प्रजुडाइज्ड कभी नहीं होना है कमिटी ओपन माइंड से होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होना चाहिए अब सी जो लॉज होते हैं वो बिल होते हैं बिल इंट्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल होता है मतलब नॉन मिनिस्टर है गवर्नमेंट बिल मतलब मिनिस्टर है लोकसभा से बिल हुआ पास फिर राज्यसभा से पास होगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो बनेगा एक्ट ऑफ इंडिया अब लोकसभा से बिल पास हुआ राज्यसभा में बिल बिल गया अब यूजुअली लोकसभा में मेजॉरिटी रहती है एग्जीक्यूटिव जो रूलिंग पार्टी है राज्यसभा में आते हैं मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सो मेनी अ टाइम्स राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं मिल पाती इस रूलिंग पार्टी को तो राज्यसभा एज अ बॉटल नैक हो जाता है बैरियर हो जाता है बिल पास नहीं होते तो जो लोकसभा में मेजॉरिटी तो है बट राज्यसभा में नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश करती है कई बार बिल को एज अ मनी बिल दिखाने के स्पीकर उसको लिख देते हैं मनी बिल और मनी बिल होते ही राज्यसभा के पावर का टेल हो जाते हैं और बिल इजीली पास हो जाता है दूसरा यहाँ पे जो यहां ऐसा नहीं हुआ मनी बिल का बट यहाँ प्रॉब्लम यह हुआ कि राज्यसभा का जो वोटिंग हुआ वो रिकॉर्डेड नहीं था बिल आता है एक जनरल पूछा जा, जाता है सबसे कि आप इस बिल से अग्री कर रहे हैं या नहीं ये दिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस टाइम पे जो सीट पे बैठे थे उन्होंने ये देखा बट अगर किसी ने नो no बोला ऑब्जेक्शन बोला तो फिर प्रॉपर वोटिंग होती है हर एक वोट को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने यस हैं कितने नो हैं और उसके बाद बिल पास होगा बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ था वॉइस वोट केवल हुआ था फॉर कन्वीनियंस के लिए हुआ था बट अगर ऑब्जेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकोगनाइज वॉइस वोट टू डिटरमाइन मेजोरिटी इन अ लेजिस्लेचर तो इस बात पे कॉन्स्टिट्यूशनल पे जुडिशरी एंगल ले सकती है अदरवाइज कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट पे तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा बिकॉज जो ट्रेड है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो सेंटर उस पर लॉ बना सकती है फॉर्म लॉज में आर्टिकल हंड्रेड जो है वो बोलता है ऑल क्वेश्चन एट एनी सिटिंग ऑफ इधर हाउस शेल बी डिटरमाइंड बाई अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेम्बर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मेम्बर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग आर्टिकल हंड्रेड अब आपने एन सी आर टी पढ़ा है क्लास इलेवेंथ का आप बताओ सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में क्या डिफरेंस होता है तो ये आर्टिकल हंड्रेड है प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल अब आर्टिकल 122 क्या बोलता है इट इज ट्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अब सी एक्ट बना बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस से चेक कर सकती है बट जो कोर्ट का जो हमारे पार्लियामेंट है उसका जो ऑटोनॉमी है पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स है नियम है जैसे काम हो रहा है जुडिशियरी इस पर इंटरवीन नहीं कर सकती तो आर्टिकल 122 बोलता है ऑफ़ द तो राजा रामपाल केस में क्लैरिफाई किया था कि प्रोसीडिंग्स भी चैलेंज की जा सकती है अगर सब्सटेंटिव वॉयेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का तो यहाँ पे एक्सेप्शन है फॉर्म बिल्स में ये एक्सेप्शन रेफरेंस भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है आर्टिकल बताइए नाउ वंस द कोर्ट डिसाइड्स द लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इशू विल हैव टू बी डेल्ट विद ओनली बाय पार्लियामेंट अब चीज ये है कि कोर्ट ने इसको देख भी लिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है बट जो थीम है फॉर्म बिल्स का डिबेट है डिस्कशन है स्कोप है परपज है ये काम कोर्ट का नहीं है ये काम तो पार्लियामेंट को ही करना पड़ेगा और जिसके लिए लॉ ला रहे हैं फार्मर्स के लिए उन फार्मर्स को आपको कॉन्फिडेंस में भी लेना पड़ेगा द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द होल लॉ इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल वन जीरो सेवन हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बट लेट सी ये कुछ प्रोविजन है नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉलिटी के रेस्पेक्ट में आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं इनको कभी मिस नहीं करना चाहिए ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा के थे बड़े टेक्निकल टर्म्स में चीज़ें बताते हैं नॉन बाइसड वे में सो इट इज गुड सो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए बिल्स वापस पास होगा अगेन लोकसभा राज्यसभा से या क्या होगा लेटेस्ट सी, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड होप बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन मीन वाइल ये है मीडिएटिंग द फार्मर मीडिएटिंग द फार्मर प्रोटेस्ट इज डिफिकल्टर इन यहाँ पे भी रेगुलर टॉक्स हैं कि क्यों डिफिकल्ट हो सकता है सेम पेज पे लाना गवर्नमेंट के लिए बिकॉज गवर्नमेंट का भी फिर क्या होता है प्रेस्टिज पॉइंट बन जाता है गवर्नमेंट की डिफीट हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर अब उसमें अपना फुल फोर्स लगाएगी तो इससे फिर क्लैशेज होंगे कोलिजन होगा लेट लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या मिडिल ग्राउंड फाइंड होता है देन दिस इज़ जॉइंट लीप बैकवर्ड बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीनेशन अगेन मिस इन्फॉर्मेशन पता फैलाना नहीं चाहिए जब चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इट इज़ बेटर यू डू नॉट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है इसके भी सीवियर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बाई बी अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड काउंटरिंग मिस इंफॉर्मेशन द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूवेशन इन टेक पैरल यंग नाइट्स ऑन द मूव यंगस्टर्स दे आर डूइंग वेरी वेल विश्वनाथन आनंद चेस यंग ब्लड यूजली जो नेक्स्ट जनरेशन आती है ना वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती है इवोल्यूशन होता है अब देखना हर जगह पर मिलना कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है ना वो पहले वाले से बेटर आती है दिस हैपन्स बट आई क्यू इज गुड ई क्यू भी होना चाहिए और ये जो सोशल मीडिया जनरेशन आ रही है तो सोशल मीडिया ने तो एक पूरी जनरेशन को बहुत डम भी कर दिया है सो दीज थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड केरला लाइफ मिशन प्रॉपर एक डायरेक्शन एनर्जी को डायरेक्शन देना जरूरी होता है दिस इज फेस्टिव चीयर म्यूजिकल वेलकम म्यूजिकल वेलकम है फेस्टून बुल ये संक्रांति फेस्टिवल हो रहा है खम ऑन वेंसडे म्यूजिकल वेलकम सबरीमाला ऑल सेट फॉर मकारी फेस्टिवल अभी हमने देखा फेस्टिवल मकारी मकारा मकर विलाकू फेस्टिवल सबरीमाला टेम्पल में तो पेशेंट वेट है यहाँ पे देन दिस इज सिनेमा रीओपन हो रहे हैं केरला में सीबीएफसी चीफ ने कहा रेगुलेट करें ओ टी टी प्लेटफॉर्म ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम अदर्स इसमें कॉन्टीन्यूसली क्रिटिसिजम हुआ है कि बहुत फिल्दी लैंग्वेज हो रहा है अनसेंसर्ड कंटेंट है न्यूडिटी है और दिस कंटेंट इज़ नॉट गुड सो इस पर भी एक चेक होना जरूरी है बिकॉज इसका क्या एक्सेस होता है सभी के पास एक्सेस है एनी एनी बडी कैन एक्सेस दिस नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम इसमें जैसे मूवीज़ होता है तो उसमें एटीन प्लस फोर्टीन प्लस ऐसे डिस्क्लेमर होता है बट ये कंटेंट इज एक्सेससेबल टू एवरीबडी सर्टिफिकेशन। चेयरमैन ऑफ़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन प्रसून जोशी साहब ने यहाँ पे बोला रेगुलेट करना जरूरी है सीसीएस ने अप्रूव कर दिया 83 तेजस फाइटर फॉर एयर फोर्स एयर फोर्स फाइटर मार्क वन ए तेजस एक्सलेंट न्यूज है ये सी नाइनटीन ऑफ मे को इफ यू रिमेंबर नाइनटीन ऑफ मे को हमने ये टॉपिक देखा था एट्टी थ्री एल सी एम के वन ए डील हाई प्रायोरिटी लीड आर्टिकल में था और बड़ा अच्छा इसमें मेंशन था एयरफोर्स का जो सेंक्शन स्क्वाड्रन है वो है फोर्टी टू बिकॉज हमारा यहाँ पे नेबर्स भी हमारे हैं और प्लस हमारे पास इंडियन ओशन भी है सो नेवी ऑल्दो है देयर बट वाइड जोग्राफी है हमारी वाइड जोग्राफी को एयर को गार्ड करने के लिए हमें एक इतना स्क्वाड्रन की ज़रूरत है फोर्टी टू स्क्वाड्रन डिले हुआ एम एम आर सी टू पॉइंट ओ में और एयरक्राफ्ट रिटायर भी हो रहे हैं जैसे हमारा ओल्ड एज जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनका क्रेडिबिलिटी भी कम होता है और दिस एक्सीडेंट प्रोन भी होता है ये कई बार फ्लाइंग कॉफिन बन जाते हैं अब एयरक्राफ्ट रिटायर भी हो रहे हैं लेस देन थर्टी स्क्वाड्रन अवेलेबल रहेगी सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एल तेजस जैसे प्लेन्स लेके आएँ अब अब एग्ज़ाम लिखते हो एग्ज़ाम में कुछ ईजी क्वेश्चन आते हैं कुछ मीडियम आते हैं कुछ डिफिकल्ट आते हैं ऐसे ही हर किसी का एक रोल होता है सोसाइटी में एयर फोर्स की भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रफेल हो जाएँ सारे के सारे सुखोई हो जाए या सारे के सारे एलसीए तेजस हो जाए नो देर हैज़ टू बी डाइवर्सिटी कुछ काम के लिए एच अच्छा है दिस तेजस अच्छा है फॉर सम वर्क सुखोई इज़ गुड फॉर सम इज़ मिराज इज़ गुड तो एयरफोर्स इस तरीके से डाइवर्सिटी भी करती है हमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए अब ये तेजस है इसका 83 थ्री एन नंबर अभी हाई प्रायोरिटी डील लाइंड अप थी एच के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था ब्यूरोक्रेसी, डिले डिले बहुत होता है और इस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले कम्प्लीट होना था बट अब ये लाइन पे आ गया है, विच इज़ गुड थिंग अब क्या होगा ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बेनिफिट होगा ना तो इससे लर्निंग होगा हमें सीखने को मिलेगा ताकि हम डिपेंडेंट नहीं हो से फ्रांस पे या रशिया पे या अमेरिका पे या स्वीडन पे हम अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर पाए और एक प्लेन मैन्युफैक्चर होगा तो उसके अलाइड एक्टिविटीज़ भी होगी और बहुत सारे सप्लीमेंट्री यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में भी कैपेसिटी बिल्ड होगा सो दैट इज वाई इट इज़ अ गुड थिंग ये तेजस है सिंगल इंजन डेल्टा विंग है लॉन्ग टाइम बैक एक वीडियो भी हमने डिस्कस किया था डिफरेंट जो प्लेन्स है हमारी एयरफोर्स उसे यूज कर रही है डिफरेंट फाइटर प्लेन्स प्लेन्सोलोक उसका पी भी है टेलीग्राम ग्रुप में नो लाइट फाइटर डिजाइन एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एयरफोर्स नेवी सब ने मिलकर बनाया है ये ये इसका स्पीड है रेंज है दिस है तो दिस इज अ गुड थिंग अभी क्या है फोर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ का एक गेम चेंजर डील अप्रूव हो गया है और ये प्लेन्स बनेंगे एट्टी थ्री नंबर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है और इंडिजिनस डिफेंस डील है दिस इज एक्सलेंट थिंग एच ए एल मैन्युफैक्चरिंग करेगा एयरफोर्स फोर्टी सेवन थाउजेंड करोर में इसमें मॉडिफिकेशन भी होगा जरूरत के हिसाब से बियॉन्ड विजुअल रेंज ऐसा रडार वगैरह लगेंगे इसमें आउटसोर्स भी करेगा यहाँ पे कुछ पार्ट्स एच ए एल एच ए एल बेसिकली एक इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा स्पेयर पार्ट्स अलग अलग जगह से लेके असेंबल करेगा यहाँ पे डीआरडी के कुछ ट्वीट्स भी आए कि ये जो मल्टी रोल फाइटर है एडवांस्ड एवियोनिक्स है ग्लास कॉकपिट है डिजिटल क्वाड्रोप्लेक्स फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जैसे जो सुखोई है वो भी फ्लाई बाय वायर है लार्ज परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है इससे क्या होता है रडार सिग्नेचर कम हो जाते हैं सक्सेसिव और लाइट वेट भी होता है सक्सेसिव स्टोरी ऑफ इंडिजिनस डिज़ाइन होगा तो दिस इज़ अ गुड थिंग ये फोर प्लस जनरेशन फाइटर जेट है जनरेशन होती है फोर प्लस जनरेशन फाइटर जेट और ये सारे इसमें पार्टनर्स हैं तो दिस इज अ गुड थिंग लेटेस्ट थी इनिशियल न्यूज है अप्रूवल मिल गया है अब आगे देखते हैं ये कैसे आगे ग्रो होता है देन दिस इज मिनिस्ट्री आर टी आई इलेवन सिटीज गेट कोवैक्सिन शिपमेंट एक्सिलेंट नई पार्लियामेंट का वर्क स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टूडे देन दिस इज पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव पोस्ट पॉन्ड है फॉर नाउ एक टनल मिला है सी इस तरीके से घुसपैठ होती है सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने वन फिफ्टी मीटर टनल मिला इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर में 150 फिफ्टी दिस इंटरनेशनल बॉर्डर में सिक्योरिटी दैट इज वाई इम्पॉर्टेंट दिसाबाया दिस इज दिस मिलिट्री पोंगल बाय द बॉर्नफायर पोंगल बाय द बॉर्नफायर एक टर्म है जो बहुत ज्यादा न्यूज में हो रहा है एक्चुअली जो सिटी डवेलर हैं ये बहुत दूर होते जा रहे हैं विलेज लाइफ पे वेस्टर्नाइजेशन भी है डिजिटल लाइफ है नए स्टाइल है तो जो रूरल इंडिया है विलेजेस हैं उनसे कनेक्ट लूज हो रहा है कस्टम्स एंड कल्चर से भी सो देर इज अ न्यू बज वर्ड दैट इज एग्री टूरिज्म एग्री टूरिज्म एक नया बज वर्ड है टूरिज्म वर्ड में इस पर आपको प्रश्न तैयार करना है तो सी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देर हैज़ बीन अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन एग्री टूरिज्म अमंग हॉलीडेयर एग्री टूरिज्म मतलब जैसे ये लोग हैं अब शहर के लोग हैं गांव में जाएंगे किसी फार्म में जाएंगे और वहाँ पे फार्म रिलेटेड जो लाइफ है एक्टिविटीज है उसको क्लोजली लिव करेंगे वहाँ पे देयर किड्स एवरीबडी सो दे विल गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स कि फार्म में कैसे हो रहा है एनिमल्स नेचर दिस ऑल थिंग्स सो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और उसका काफ़ी अभी इनक्रेज किया जा रहा है इसे अब सी टूरिज्म के वैसे टाइप्स हो सकते हैं इस पर ऐसे भी आया था मास टूरिज्म होता है ऑल्टरनेटिव टूरिज्म होता है इसमें आता है एग्री टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म होता है जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए जाते हो स्की जंपिंग साइंटिफिक टूरिज्म एजुकेशनल कल्चरल ये सब डिफरेंट टूरिज्म है रूरल टूरिज्म कम्युनिटी में क्या होता है रूरल हेरिटेज को हमको देखने को मिलता है ट्रेडिशनल वहाँ का आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल प्री हिस्ट्री कैसल्स विलेजेस रूरल एक्टिविटीज़ में आते हैं बर्डिंग साइकिलिंग फिशिंग वॉकिंग वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है रूरल लाइफ जीते हैं क्राफ्ट लोकल इवेंट्स कंट्री फूड एग्री ट्रेडिशनल म्यूजिक माउंटेन लेक्स दिंग इज कनेक्ट विद नेचर कनेक्ट विद कल्चर कनेक्ट विद अवर विलेजेस और इंडिया विलेज में ही असली इंडिया बसता है सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एग्री टूरिज्म और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं और इससे बेनिफिट भी क्या हो सकता है सी विलेज को एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकता है एग्री टूरिज्म सो दिस इज एग्री टूरिज्म द फील्स आर ग्रेटफुल रिबन ऑन एन ऑक्स बुल्स मसल एंड अ पैंडमिकल्ली कट्टू का द ए माई एक्सपेरिमेंट विद द राइस अ स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एक्ट एस काउंटर बैलेंस टू चाइना ये क्लासिफाइड पॉलिसी थी जिसको अभी रिलीज कर दिया गया कि यूएस की क्या पॉलिसी है दिस इंडिया चाइना दिस इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में सो द पॉइंट इज यू एस इंडिया को कैसे देखता है यूएस इंडिया को ऐसे डेवलप करना चाह रहा था कि वो एक चेक आ सके Assertive rise of China में। जैसे चाइना का भी शी जिनपिंग का लेटर आप जो उसने सेंड किया है शी जिनपिंग ने लेटर सेंड किया बा बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है इनडायरेक्टली कि चाइना इज टू बिग टू इग्नोर चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते ट्रेड वॉर का कोई रिजल्ट आएगा नहीं चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर अंडर टून ये है उस लेटर का सो इंडिया हैव टू बी वेरी केयरफुल और ये जो पॉलिसी है यूएस का वो चाहता है इंडिया बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन एक ऑल्टरनेटिव चेक बने दिस चाइना में ये यूएस का पॉलिसी था बट इंडिया क्या है इंडिया इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है जो हमारे इंटरेस्ट में होगा देन दिस इज क्रेमलिन एंड ये नेगेटिव कोविड नाइनटीन टेस्ट मैंडेटरी हो गया है अराइवल इन यू श्रीलंका ने रिपोर्ट किया नया वायरस वेरियंट इन्फोसिस का प्रॉफिट क्लाइम हुआ है सिक्सटीन आर ने डिजिटल लैंडिंग के लिए एक नए रिफॉर्म्स की बात किया है वर्किंग ग्रुप बनाएंगे अमेजॉन और इनका डील हो रहा है टाटा मोटर्स की नई कार आई है ऑल्ट्रोज नया वर्जन है हुडई मोटर एक्सपोर्ट करेगा कार टू नेपाल वाया रेल हुंडई ना इंडिया में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है बहुत जगह जगह सप्लाई होती है इंडिया से पेटीएम मनी टू ऑफर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सो दिस इज दीज आर सम बिजनेस न्यूज दैन दिस इज इंजरी रिडन इंडिया आउट टू ब्रीच ऑस्ट्रेलिया गाबा फोर्ट्रेस गाबा के पिच बहुत बाउंसी होते हैं फास्ट होते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाजटीन फिफ्टी 1954 के अंदर मैरिज करते हैं तो थर्टी डे का नोटिस देना पड़ता है कि पब्लिश करना पड़ता है कि ये जो कपल है दे आर गोइंग टू गेट मैरिड अब थर्टी डे का नोटिस दिया है तो उससे स्क्रूटनी में आ सकते हैं इनका प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है थ्रेट के थ्रेट के चार्जेस भी हो सकते हैं थ्रेट के केसेस भी हो सकते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के रिलीफ टू इंटरफेथ कपल इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन कैन नॉट वॉयलेट बेसिक राइट्स क्रूअल टू फोर्स दिस जनरेशन टू फॉलो जनरेफ्टी ईयर ओल्ड कस्टम द रूलिंग कम्स एज रिलीफ टू इंटरफेथ कपल्स हु आर बींग दिस इंक्रीजिंगली टारगेटेड बाई सिमिलर प्रोविजन इन दिस लॉ तो ये बात है नोटिस वॉयलेट्स प्राइवेसी दिस इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सोसाइटी सोशोलॉजी पेपर वन मेक इन इंडिया मेगा डील है क्लियर फॉर एयरफोर्स है, देन बीइंग नाइस एवरीबडी इज नॉट फॉरेन पॉलिसी हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, यू कैन नॉट बी नाइस विद एवरीबडी देन कोवैक्सिन डिलीवरी स्टार्ट अब ये सिटी है स्कूल ओपन करने की बात है देन हैपी पोंगल इंडिया की टू यूएस प्लान इन इंडो पैसिफिक काउंटर टू चाइना चाइना को काउंटर करने के लिए दैट इज वाई यूएस हम पे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था देन दिस अफिलियड एनसीआर बुक्स कोवैक्सिन कैचिंग द फेस्टिव स्पिरिट अब ये कल्चर कहाँ का है ये असम का पनबाड़ी विलेज है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में कॉम्युनिटी फिशिंग है ऑन द ई वो भोगाली बिहू बिहू कहाँ पे होता है असम देन दिस इज एडिटोरियल पेज रेगुलर टॉक्स हैं प्राइस सिग्नल्स रिटेल इन्फ्लेशन फॉल हुआ दिसंबर में फूड प्राइसेस भी हैं डिक्लाइन हुआ है बट अभी भी इट्स टू अर्ली वोलाटाइल सिचुएशन बनी हुई है इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आर के हाथ बन जाते हैं वो अकोमोडेटिव ईजी मनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाता है इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कम होती है प्रेशर पॉइंट्स हैं कि बैड लोन्स हैं उसको भी हम ज़्यादा डिले नहीं करें रिकॉग्नाइज करें बजट से पहले बजट आने वाला है अभी प्री बजट टॉक्स आर गोइंग ऑन वी रोबोट एंड दिस इज अबाउट केयर एंड कॉशन पीपल कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट सक्सेसफुल रोल आउट बिना कॉन्फिडेंस के बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप गवर्नमेंट और दिस गवर्न जिन पे है तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है मास्टर ऑफ द इंटीमेट कैनवास वेद मेहता साहब द अ बजट फॉर अवर टाइम्स गेटिंग द वैक्सीनेशन राइट Running away from house discussion debate and discussion. Now this is an excellent news. First rice now wheat. India क्या कर रहा है Export कर रहा है हमने पढ़ा था mains में सवाल भी आया था अभी इस mains में कि एग्रीकल्चर में राइस एंड वीट का हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसमें MSP policy continue पॉलिसी कंटिन्यू करें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएँ सो द थिंग इज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है इंडिया का वैसे इसमें वर्ल्ड की भी जो इवेंट्स हैं उसका भी एक रीज़न है कि हम क्यों इतना एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया मेजर एक्सपोर्टर बना सर्जिंग इंटरनेशनल प्राइसेस फ्रॉम चाइनीज स्टॉक पाइलिंग चाइना स्टॉक पाइल कर रहा है एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है स्टॉक पाइल कर रहा है तो हमने एक्सपोर्ट निर्यात करना चालू कर दिया दिस राइस का भी अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट मनी आ रहा है एग्री कमोडिटी मार्केट में सो so, इससे भी हमने ये किया सो यू एस डिपार्टमेंट एंड दिस सो दिस इज़ द नंबर हमने एक्सपोर्ट किया है राइस एंड व्हीट ये तेजस सी एम के वन है इसमें ये सारे फीचर्स होंगे ये अभी कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में रहने वाला है अब दिस इज फर्स्ट राइस एंड दिस ये प्रोडक्शन हुआ है नोसी हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट फोर थ्री मेट्रिक टन ऑल टाइम हाई हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव नाइन मेट्रिक टन वीट का ऑल टाइम हाई इसके कारण ट्रिगर हुआ और बिकॉज चाइना एंड दिस वर्ल्ड इवेंट्स हमने एक्सपोर्ट किया है राइस एंड वीट देर वॉज अ टाइम हम शिप टू माउथ कंट्री कहलाते थे इम्पोर्ट करना पड़ता था हमें खाने का राशन भी नाउ दिस इज अज अब ये मैप है बिफोर दैट दिस इज इंडियन एक्सप्रेस वर्ल्ड न्यूज में ट्रम्प ऑन वर्ज ऑफ सेकेंड इम्पीचमेंट ये ओके okay हो गया है इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा सी इम्पीचमेंट इतना ईजी भी नहीं होता है पिछले बार भी इम्पीचमेंट डिफीट हो गया था सी इस बार क्या होता है दस दिन हाल पाँच छः दिन बचे हुए हैं ट्वेंटी को नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे डिसअपॉइंटिंग चाइनीज वैक्सीन रिजल्ट नाउ सी चाइनीज वैक्सीनेशन फ्लॉप हो गई है सेटबैक फॉर मैनी नेशन ब्राजील ने कहा देन दिस इज किम जोंग उन म्यूचुअल फंड मोर इफेक्टिव नैनो बॉडीज पार्लर एक था इसको भी म्यूट कर दिया अभी जैक डॉसी का आई वॉज सींग दिस ट्वीट ट्विटर पे बड़े उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो क्यों लिए ब्लू स्काई करके एक नया प्लेटफॉर्म की भी बात किया है उन्होंने लेट सी श्रीलंका बट द पॉइंट इज रेगुलेशन एंड चेक होना जरूरी है प्राइवेट कंपनीज रिप्लेस नहीं कर सकती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ को गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है अमेजॉन मेक्स एंट्री ये एडटेक एजूटेक में अमेजॉन भी आ रहा है बिग बिग ह्यूज प्लेयर्स आ रहे हैं फ्रॉडल एंड ट्रेडिंग वैक्सीनेशन रूल्स फॉर द यू एस नए रूल्स फ्लाई के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है नौ लेटेसी मैनग्रोव्स ऑफ इंडिया मैनग्रोवें पता है मैनग्रोव्स बहुत सोल्ट टॉलरेंट होते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सुनामी जैसी कोई चीज़ आती है तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं इनका नेचर के लिए भी प्योरीफिकेशन एंड ऑल वाटर प्योरीफाई देर आर सो मैनी यूटिलिटी ऑफ दिज मैनग्रोव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर होती है सुंदरबन मैनग्रोव्स यहाँ पर हैं महानदी मैनग्रोव्स हैं कृष्णा गोदावरी मैनग्रोव्स हैं ये कावेरी डेल्टा एक मैनग्रोव हैं तो ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से हुए हमारे सुंदरबन महानदी कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा ये अंडमान एंड निकोबार है यहाँ भी मैनग्रोव्स हैं इधर हम आते हैं वेस्ट में तो गोवा के मैनग्रोव्स हैं ये रत्नागिरी के मैनग्रोव्स हैं और ये मैनग्रोव्स ऑफ गुजरात हैं तो गुजरात रत्नागिरी गोवा कावेरी कृष्णा महानदी सुंदरबन और अंडमान निकोबार यहां पे मिलते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कल हम देखेंगे कोरल्स नाउ दिस इज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिंदी आर्टिकल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज अभी इंडिया का इंडिया यहां दो साल तक मेंबर रहने वाला है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के अन्य छह मुख्य अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई यू की संरचना की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में लिखा है यू के प्रोविजन संयुक्त जो राष्ट्र है उसका जो सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है बिकॉज ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के डिसीजन लेता है प्राथमिक जिम्मेदारी होती है अंतरराष्ट्रीय शांति पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिश करते हैं किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है मतलब ये जो मेंबर हैं यू के ये कुछ भी रिजोल्यूशन ला सकते हैं और यू के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको मेंबर्स को ये फॉलो करना पड़ेगा तो दे आर वेरी पावरफुल दैट इज़ वाई ये बहुत पावरफुल बॉडी है स्थाई और अस्थाई सदस्य होते हैं टोटल फिफ्टीन मेंबर हैं पांच स्थाई है और दस गैर स्थाई है दो साल के लिए जैसे इंडिया आया अभी इस दस में इंडिया का नाम आया और पांच ये परमानेंट है सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई हैं अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूस एंड चीन और ये स्थाई हैं और जो दस होते हैं वो दो दो साल के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाते हैं तो इंडिया इस दस में आया है दस स्थाई में दस स्थाई सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है पांच सदस्य एशिया से अफ्रीका देश से दो दक्षिण अमेरिका से पूर्वी यूरोप से दो पश्चिमी यूरोप एंड अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं अब सवाल ये उठा जाता है कि ये पांच स्थाई जो चुने हैं ये ही क्यों चुने गए फ्रांस को क्यों चुना रूस चीन ब्रिटेन अमेरिका वॉट इज द क्राइटेरिया अफ्रीका का एक भी नेशन नहीं है साउथ एशिया का एक भी नेशन नहीं है साउथ अमेरिका का नेशन नहीं है सो वाई यहाँ डेमोक्रेसी तो, तो दिख नहीं रही है दीज आर द ऑब्जेक्शंस भारत जनसंख्या क्षेत्रीय आकार जी आर्थिक क्षमता संपन्न विरासत सांस्कृतिक विविधता संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का एक्सेलेंट रिकॉर्ड रहा है और इंडिया हमेशा से बहुत रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ वर्ल्ड है रेस्पॉन्सिबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड सो दैट इज वाई इंडिया डिजर्व सीट इन दिस फाइव परमानेंट मेंबर और वाई नॉट वी आर डूइंग रिफॉर्म्स इन दिस फाइव परमानेंट और यू एन एस सी स्ट्रक्चर इनके पास वीटो होता है वीटो पावर का ये मिस यूज भी करते हैं सो देर हैजू बी रिफॉर्म्स सभी पैमानों पर खरा उतरा है तो इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही स्टैंड बनाया है सेवेंटी फिफ्थ यू एन एस्टैब्लिशमेंट से भी प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी था रिफॉर्म्स नेसेसरी है इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट सीट सो दिस इज द थिंग एक कॉफी क्लब भी है यहाँ पे आप बताओ वो क्या है यू रिफॉर्म्स ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये है देन दिस वीट राइस का एक्सपोर्ट काउंटर बैलेंस टू चाइना एंड तेजस एल सी एक्ट बोन फायर आंसर दिस क्वेश्चन एग्री टूरिज्म क्या है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके प्रोज कॉन्स ये सारी चीजें डिस्कस करिएल्फ तेजस दिस इज फेस्टिवल और ये आर्टिकल अच्छा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फाइनल ब्लो विंटर ट्रिल्वस्ट योर क्वेश्चन नंबर डू होमवर्क सिस्टमैटिक रेगुलर दिस विल ब्रिंग वेरी गुड रिजल्ट स्कूल ओपन हो रहे हैं सो दिस इज ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ